यूँ तो OnePlus 5 के ऑफिशियल कवर्स आपको ऑफिशियल साइट पर मिल जाएंगे 990 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक, लेकिन अगर आप कोई सस्ता सा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है रैचेटॉक ब्रांड के OnePlus 5 के बैक कवर्स। ये बैक कवर्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो ऑफिशियल OnePlus 5 के बैक कवर हैं उनसे काफ़ी सस्ते हैं। ये है सबसे सस्ता सिलिकॉन केस जो OnePlus 5 के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है और ये OnePlus 5 हैंडसेट पर बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। ये ट्रांसपेरेंट कलर का है, बेहतर होता कि ये ब्लैक कलर का होता, क्योंकि अब देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें वाइटिश सा फील आता है। लेकिन ये बैक कवर आपके हैंडसेट को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी करेगा और दिखने में भी इतना बेकार नहीं है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। OnePlus 5 पर डुअल कैमराज है और उसके लिए इस केस ने काफ़ी जगह दी हुई है। ये है पावर बटन, सिलिकॉन केस के ऊपर ही बटन है, मतलब कि जो बटन है वो छुप गया है, आपको डायरेक्ट बटन का एक्सेस नहीं मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम रॉकर के लिए भी बटन छुप गया है और ये जो स्लाइडर है यहाँ पर गैप दिया हुआ है। इसका प्राइस है तकरीबन 350 रुपये। और ये जितने भी रैचेटॉक ब्रांड के केसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे इंटरनेशनल अमेज़ॉन या इंटरनेशनल ईबे से ख़रीद सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली इतना है कि डिलीवरी के लिए कुछ समय लगने वाला है, तकरीबन 15 से 30 दिन तक। ये है दूसरा केस जो अलग ही दिखता है, देख सकते हैं कि इस पर दो टेक्सचर्स है और बहुत ही प्रीमियम फील देता है, और ऊपर से ये जो OnePlus 5 का जो हैंडसेट है उसे थोड़ा सा बल्की भी बना देता है, मतलब कि जो OnePlus 5 हैंडसेट है वो थोड़ा सा स्लिम है, ये लगाने के बाद जो हैंडसेट है थोड़ा सा भारी लगने लगता है। चलिए इस केस को मैं OnePlus 5 हैंडसेट पर अटैच कर देता हूँ और देखिए किस तरीके से ये अच्छी तरीके से फिट हो गया है। और दिखने में ये केस थोड़ा सा यूनिक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पोर्ट्स हैं उनके लिए जगह दी गई है। ये जो केस है ये भी फ्लेक्सिबल है और इसमें थोड़े से शेड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम बटन है वो एक्चुअली जो बटन्स है केस के ऊपर भी है, और जो स्लाइडर है उसके लिए गैप दिया गया है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, यूनिक लगता है। जो कैमरा का मॉड्यूल है वहाँ पर आप देख सकते हैं ये केस ने उसे काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर दिया है, इनफैक्ट थोड़ा सा गैप भी है, मतलब कि एक्सीडेंटल कैमरा डैमेजेस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है इसके ज़रिए। देखिए किस तरीके से ये पीछे साइड से लगता है, अच्छा दिखता है, काफ़ी यूनिक है। ये केस आपको पड़ेगा तकरीबन 250 रुपये से लेकर 400 रुपये के आसपास। और ये है तीसरा रैचेटॉक ब्रांड का केस और ये मुझे सबसे बेहतर लगा इन तीनों केसेस में से। ये जो केस है ये काफ़ी सख्त है, इतनी आसानी से बेंड नहीं होगा और ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ऊपर से जो लुक है OnePlus 5 का उसे भी बरकरार रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैट ब्लैक फिनिशिंग है और इस पर एक्चुअल बटन्स भी हैं। तो ये OnePlus 5 हैंडसेट को मैं इस केस के साथ में अटैच कर देता हूँ, देखिए किस तरीके से OnePlus 5 वैसे का वैसा ही लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है इस केस के साथ में। ये केस के ऊपर बटन्स है जो एक्चुअल बटन्स के साथ में टच होते हैं, और जो कैमरा का मॉड्यूल है देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी तरीके से उसे वहाँ पर गैप दिया गया है। देखिए केस का बटन किस तरीके से लगता है और जब भी आप इसे प्रेस करते हैं तो एक्चुअल बटन के साथ में वो टच होता है। जो स्लाइडर है वहाँ पर गैप दिया गया है। ये केस बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाता है और क्योंकि ये बेंड नहीं होता है, बहुत ही सख्त है, तो लगता भी बहुत अच्छा है। देखिए किस तरीके से जितने भी पोर्ट्स हैं वहाँ पर गैप दिया गया है, दिखने में ये बहुत ही अच्छा है और ये स्लिप भी नहीं होता है। अगर आप इसे कोई स्लिपरी जगह पर आप इसे रखेंगे तो ये स्लिप नहीं होने वाला है। इस केस की कीमत है तकरीबन 500 रुपये के आसपास। जैसा कि मैंने पहले कहा ये जो केसेस है ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे अमेज़ॉन UK और ईबे से ख़रीद सकते हैं और इसे आपको इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कोई कस्टम ड्यूटी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। अगर आप ये केसेस को ख़रीदना चाहते हैं तो इन केसेस का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं OnePlus 5 के लिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये केसेस आपको कैसे लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।